40 में हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है सर्कुलर रिंग के अलोंग। तो सर्कुलर रिंग की जब हम बात करते हैं तो उस पर कई सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके सामने एक सर्कुलर रिंग है, एक रेडियस होता है इस रिंग में, एक डायमीटर होता है और एक अपना टेंजेंट होता है। तो अगर आप हर चीज़ को प्लॉट करने की कोशिश करोगे इस रिंग में, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रिंग पे हर चीज़ कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेडियस अगेन मैं दिखाऊँ तो ये रेडियस रहा आपका, यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ कर दूँ तो डायमीटर हो गया ये पूरे ऊपर तक, और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ तो टेंजेंट हो गया, ये वाला टेंजेंट हो गया आपका। अब ये तो पास कर गया सर्कल के बाहर से, टेंजेंट वैसे एज को टच करता है, ये रहा टेंजेंट आपका एग्जैक्टली। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंट के अलॉन्ग भी निकालना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेडियस के अलॉन्ग भी निकालना है, इस डायमीटर के अलॉन्ग भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस रेडियस के अलॉन्ग। तो जब आप रेडियस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस स्क्रीन को अगर मैं रब कर दूँ, हाँ, ये स्क्रीन साफ़ करने के बाद मैं आपको एक और सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फ्रेश सा ये सर्कल है अपने साथ सामने। और यहाँ पे अगेन वही ड्रॉ करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया हमने रेडियस। उससे पहले समझो कि इस सर्कल में जो पूरा लेंथ है इसका, उसे हम सर्कमफेरेंस कहेंगे। तो यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस निकाल लो, वो होता है 2 पाई आर। अब आप अगर आगे बढ़ोगे, आपको इसका मास निकालना है, तो पूरे सर्कल का मास, जो टोटल मास है सर्कल का, टोटल मास जो है वो अगर मैं मान के चलूँ कि कैपिटल एम है, तो मुझे इस सर्कल के पर यूनिट लेंथ का मास चाहिए। मान लो कि पर यूनिट लेंथ इतना है, इतना पोर्शन है पर यूनिट लेंथ, तो इतने का मास जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे, इतने का मास कितना होगा? तो अगर मेरे को पर यूनिट का मास निकालना है, पर यूनिट लेंथ पे मास निकालना हो मुझे, तो वो निकल के आएगा जो भी टोटल मास है उसको इसके डिस्टेंस, यानी कि जो पूरा निकल के आया था ना आपका लेंथ, जिसे आप सर्कमफेरेंस कह रहे थे, उससे डिवाइड करा दो। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे छोटे एलिमेंट का मास चाहिए, मतलब किसी इंसान को सिर्फ, सपोज करो इतना एलिमेंट है उसके लिए, उसको इतने हिस्से से मतलब है जितना मैंने हाईलाइट किया है, वो इतने का मास जानना चाहता है, तो क्या करेगा? उसको पता है कि इसके इतने हिस्से का मास ये वाला है, ठीक है, तो ये इस वाले से इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देगा। तो इस पूरे को मैं dx मान के चलता हूँ। तो देखो, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट वो निकल के आएगा आपका, जो ये मास आया था ना m अपॉन में 2 पाई आर, इसको आप मल्टीप्लाई करा दो इस dx से, ये dx आपके पास ये वैल्यू है, तो ये आपके पास मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकल के आ गया। ये देखो, ये जिस मैंने हाईलाइट किया। अब इसी को कंसीडर करना है, और आगे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम आगे। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको पहले से ही पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकलता है मास मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, और ये आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वहाँ पे पीछे हमने इस मास की वैल्यू निकाल रखी है, तो इसको मैं रब करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखो कैसे निकलेगी डायरेक्ट वैल्यू। सबसे पहले वही आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इस आई की जगह आपको पता है छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, बहुत छोटा सा एलिमेंट, तो डी आई कंसिडर किया जाएगा, और मास की जगह जो हमने पीछे निकाला था एम अपॉन में 2 पाई आर इंटू में डी एक्स, ये रहेगा, और ये आर स्क्वायर जिसके साथ चल रहा है ये चलता आएगा। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आप नोटिस करो इस आर से एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे आएगा डी आई इज इक्वल टू एम अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे जो आर बच गया यहाँ पे ये वाला आर डॉट डी एक्स, ये वैल्यूज हमारे पास बची हुई है। अब ये मेरे पास स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है। सपोज करो कि भाई वो एलिमेंट जो है, मान लो डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे वो जीरो है, और यहाँ से चलता 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 वापस जब यहाँ पे एंड हुआ, लेट सपोज इस पॉइंट पे, तो ये 2 पाई आर है। तो इसकी लिमिट क्या सेट करनी चाहिए, उसकी लिमिट अगर मुझे सेट करनी पड़े, तो स्टार्टिंग में जो एक्स की वैल्यू है, इसको रब करने पर यहीं पर लिख देता हूँ मैं, स्टार्टिंग में जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी हमारे सामने वो होगी ज़ीरो। स्टार्टिंग में एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो को, और बाद में एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पाई आर को, इतनी इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, और ये ज़ीरो मिनिमम लिमिट है। तो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो मिनिमम टू मैक्सिमम पे चलते हैं। तो इस वाले जो आपको ये कंडीशन दिख रही है ना, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो आपको पूरे आई की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो हमारे सामने डी आई निकल के आया हुआ है, तो देखो कैसे निकलेगा वो। अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो तो इस वैल्यू को याद रखो, ये वैल्यू अगेन मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ये वैल्यू है क्या,
ये वैल्यू है डी आई इज इक्वल टू एम आर डिवाइडेड बाई टू पाई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। प्लीज़ इसको नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वही डी आई इज इक्वल टू एम अपॉन में टू पाई, ऊपर आर था, डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लग जाएगी। तो यहाँ पे यहीं पे मैं इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिमिट ध्यान से देखना, ये जीरो से लेके टू पाई आर तक लिमिट चलेगी, टू पाई आर तक, ठीक है। अब यहाँ पे आई का इंटीग्रेशन तो आई हो गया, डी आई का इंटीग्रेशन, यहाँ पे एम अपॉन में टू पाई एज इट इज है, आर भी एज इट इज है, डी एक्स भी एज इट इज है, अभी तो चीज़ों को सेपरेट नहीं किया, सिर्फ लिमिट डाल दिया यहाँ पे, ये हो गया टू पाई आर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो आई इज इक्वल टू एम अपॉन में टू पाई और आर, ये सब आर ऊपर है आपका, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू पाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो आई बराबर आ जाएगा एम आर डिवाइडेड बाई टू पाई, और अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा आपके एक्स की जगह आ जाएगा टू पाई आर माइनस ज़ीरो। ये लिमिट पुट कर दिया, ये लिमिट्स यहाँ पुट कर दी गई। अब वापस फिर से सॉल्व करो, ये आ जाएगा एम आर अपॉन में टू पाई, और यहाँ पे आ जाएगा टू पाई आर। इसमें जो वैल्यूज़ कटने वाली उस वैल्यूज़ को काट लो। फॉर एग्जांपल इस टू पाई से टू पाई कट जाएगा, तो आई की फाइनल वैल्यू जो है वो आ जाएगी एम आर स्क्वायर, ठीक है। और यही आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कवर अप हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एम आर स्क्वायर निकल के आ गया। अब आपको डायमीटर के अलोंग निकालना हो, सपोज अगर आपको डायमीटर के अलोंग निकालना हो तो डायमीटर के अलोंग कैसे निकालोगे ये भी समझो। यहाँ पे अगेन वही सर्कल ड्रॉ करना चाहिए हमें, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल में हमारे पास ये वाला जो भी मैंने लाइन बाहर निकाल दी है सब डायमीटर ही तो है, क्योंकि पास तो सेंटर से हो रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो तीन डायमीटर है। अब याद करो मैंने थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में समझाया था कि किसी भी दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट सपोज इन दोनों का जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी तीसरे के बराबर होता है। मान लो कि एक्स होता, ये वाई होता और ये जेड होता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स जेड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, किसी दो का किसी तीसरे के इक्वल हो सकता है, ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी थ्योरी पे हम आगे बढ़ते हैं, अगर इस डायग्राम को क्लैरिटी के साथ ड्रॉ करते हैं अच्छे से। इसको भी रब कर देते हैं। तो ये देखो ये सर्कल अगेन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, और इस पर आप डालो एक्सिस, ये एक डायमीटर हो गया और इसको आप ये सेंटर वाला एक्सिस हो गया। जब इसको आप पॉइंट आउट करोगे तो नेमिंग करना है हमें, तो एक डायमीटर का नाम दे देते हैं हम ए, और ये ए से बी हो गया, अगेन इसका नाम दे देते हैं सी, सी से डी हो गया ये, और ऊपर वाला जो है वो वाई से वाई डैश तक, ठीक है। अब हम ये लिख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अलोंग है, आई ऑफ ए बी प्लस आई ऑफ सी डी इज इक्वल टू वाई वाई डैश, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ए बी है क्या अपने आप में, ए बी एक डायमीटर है, अगर आप इस ए बी को नोटिस करो तो डायमीटर है, तो आई ए बी की जगह मैं आई डी लिख दूँ, सी डी भी डायमीटर है, सी डी की जगह भी आई डी लिख देता हूँ, और वाई वाई डैश भी अगर वैसे तो नोटिस किया जाए तो डायमीटर ही है, लेकिन इसका ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन देखो, ये एक रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आया है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया हाफ एम आर स्क्वायर, इतने के अलोंग, इतने के अलोंग हमने जब पीछे निकाला था, तो इस पूरे के अलोंग क्या निकल के आएगा, टू टाइम्स, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करा दो, तो इससे ये कट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गया आपका आई डी प्लस में आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब अगर आई डी आई डी को सम अप करोगे तो टू टाइम्स आई डी आ जाएगा एम आर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो ये आपके सामने निकल के आएगा आई इज इक्वल टू टू उधर चला जाएगा तो वन बाई टू एम आर स्क्वायर। तो चाहे आप रेडियस के अलोंग निकालो, चाहे आप डायमीटर के अलोंग निकालो, आंसर सेम आएगा, पीछे भी आंसर हमारा सेम ही आया था। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ पे देखो, ये वैल्यू जो है वही निकल के आ रही थी। हाँ यहाँ पे हाफ नहीं था, यहाँ पे हाफ नहीं था, ठीक है। तो ये भी आ गया आपको। अब हमें सर्कुलर रिंग के टेंजेंट के अलोंग निकाल के दिखाना है, तो टेंजेंट के अलोंग भी आप देखो, अगर आपको टेंजेंट के अलोंग निकालना हो तो अगेन आप सर्कल बनाओ और आप यहाँ पे टेंजेंट डाल दो। तो जब आप टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट कुछ इस प्रकार से डलती है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है टेंजेंट डालने का,
ये आप यहाँ पर रब करो, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसके अंदर से एक प्लेन ड्रॉ करो, या फिर मतलब एक एक्सिस ड्रॉ करो, और उस एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करो जो कि टेंजेंट भी हो और पैरेलल भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैरेलल के लिए एक थ्योरम होता है, तो शायद हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं। अच्छा, जब भी हम टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आई टी कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमेशा किसके बराबर है? एक तो आपको यहाँ पे ये डायमीटर दिख रहा होगा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, एक तो ये चीज़ हो गई, प्लस में आपको एक और वैल्यू एम आर स्क्वायर की डालनी पड़ेगी। अच्छा, ये क्यों डालनी पड़ेगी, ये भी समझाते हैं। देखो, यहाँ पे डायमीटर के अलोंग जो है वो तो हमें कैलकुलेट करना ही है, डालना ही है, साथ में इसकी खुद की, ये भी तो अपने आप में एक लाइन है ना, ठीक है, और ये लाइन जो है इसको कौन ड्रॉ ज्वाइन कर रहा है, रेडियस ड्रॉ ज्वाइन कर रहा है, तो इस रेडियस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसके अलोंग है, इन दोनों को अगर आप निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो ये इसके अलोंग जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डायमीटर में निकाला, इसके अलोंग जो हमने रेडियस में निकाला, तो उन दोनों का समीशन टेंजेंट पे आएगा। तो डायमीटर का अलोंग होता है, हमने देखा था हाफ एम आर स्क्वायर, और रेडियस का अलोंग हमने देखा था एम आर स्क्वायर, तो हाफ इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 14th क्वेश्चन था। चलो।